Hello friends, this video include how to prepare for BHU entrance and how to prepare for ICAR examination. And this is the total 5 topics: mental ability, chemistry, biology, physics and math. In mental ability, you have to read only 3 portions: verbal type of question asked in examination, non-verbal type of question asked in examination and current affairs. Itne total mental ability mein puche jaate hain. Aur टोटल केमिस्ट्री से 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इक्विलिब्रियम, ब्लॉक एलिमेंट, एसपीडीएफ एंड ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड फिजिकल केमिस्ट्री. आप ये टोटल 6 टॉपिक पढ़ लोगे तो आप पूरा केमिस्ट्री कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. ये मेरा पर्सनल वो बोलता है एक्सपीरियंस, जिसके आधार पर मैंने आज एडमिशन लिया हुआ है. एग्रीकल्चर में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एग्रीकल्चर में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, सॉयल साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में थ्रेशर, रोटावेटर किससे यूज है, मतलब इक्विपमेंट के बारे में पूछा जाएगा आपसे. एग्रीकल्चर इकोनॉमी, बॉटनी, जूलॉजी भी एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं. और एंटमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड ऑल एंड क्या लिखा है ये बता दो भाई साहब. इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन, ये सब टॉपिक्स 10 टॉपिक्स पर आप अगर प्रिपेयर कर लो तो एग्रीकल्चर के पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे आराम से. आते हैं बायोलॉजी की तरह. बायोलॉजी में टोटल 10 या 9 टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये देख लो आप, 9 टॉपिक्स पूछे हैं. ट्रेडिशनल बायोलॉजी, डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक्स, पोस्ट मॉडर्न डिजीज के बारे में पूछे जाते हैं. ह्यूमन फिजियोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटल साइंस, सेल डिवीजन, इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी में भी क्वेश्चन पूछे जाए, IgA, IgG, IgA सब. एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से आते हैं वो 4 टॉपिक्स हैं: बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मैं ऊपर से फिर से पढ़ देता हूँ. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम एंड बायोटेक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ एनी थिंग्स, ये 8वां टॉपिक्स हैं. और 9वां टॉपिक्स हैं अर्थवॉर्म, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, कॉकरोच, मिल्क के बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक्सेट्रा. मतलब ये जो अर्थवॉर्म, इंसेक्ट है, फ्रॉग, कॉकरोच है, इसके बारे में आराम से आप एक डिटेल स्टडी बना के पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है. अगर आप फिजिक्स की बात करें तो एग्रीकल्चर में फिजिक्स टोटल 6 टॉपिक्स से पूछे जाते हैं. यूनिट डायमेंशन, मैटर प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स पूछा जाता है. मैकेनिक्स, सिंपल लेवल का मैकेनिक्स, एकदम सिंपल बच्चों वाला लेवल का पूछा जाता है. एंड 6 में डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट, मतलब किस साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी की थी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया था. ये बस फ्रेंड्स, आप इतने तैयार कर लो, आपका एग्रीकल्चर BHU और ICAR में जरूर हो जाएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. दोस्तों ऐसे पढ़ें और बढ़ते रहें और लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. मैं आपको हमेशा फ्रेश अपडेट, किस चीज़ों में क्या चाहिए, मैं एक एक टॉपिक पे बना के आपको वीडियो सेंड कर दूंगा. ओके, हैव अ नाइस डे.